हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यो प्रो गो प्रो। तो दोस्तों, लोगों को अभी 7 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोगों को इन एडवांस 8वां रोज़ा मुबारक। एंड आज मैंने 2 बार नहाया है, क्योंकि जब सुबह नहाया था तो शाम को, अब तब लोगों को पता है मेरा तो पूरा फील्ड वर्क है, तो दिन में पूरा धूप पसीने धूल मिट्टी हो जाता है और थोड़ा गर्म ज़्यादा हो रहा था, तो मैं अभी आके फिर से नहाया हूँ, थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ। एंड ये क्या कर रही है? What are you doing? Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? पहले बाबू मुझे दुपट्टा दो, मैं बहुत अनकंफर्टेबल खड़ी हूँ ऐसे। ओके, तो इनको मैं देता हूँ दुपट्टा, इनका दुपट्टा। कपड़े ना टाइट हो रहे मुझको। ओके। तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा है। इसका दुपट्टा मिला, तो इनको मैं देता हूँ दुपट्टा, फिर थोड़ा कंफर्टेबल होएंगी। ओके, ये ले। क्या हुआ है पता है? कपड़े ना क्या हो रहे, पेट पे चढ़ जा रहे, पेट और घुमाओ कपड़े ना, ये देखो कितने चढ़ जा रहे ना। तो ये पीछे से तो फिर भी मैनेजेबल है, लेकिन आगे से बहुत गंदा फील होता है आपको। और मैं जब कैमरा पकड़ती हूँ ना, तो मैं सिर्फ इतना ही शूट करती हूँ, और जब आपके भाईजान पकड़ते हैं ना, तो थोड़ा दूर से हो जाता है। मेरे को दूर से करना पड़ेगा, मेरा भी इतना अच्छा चेहरा है एटलीस्ट कम से कम, तो पूरा बॉडी दिखता है ना। तो कुछ लोग उसको मिसअंडरस्टैंड करके कुछ भी जज करते हैं, ये भी नहीं सोचते कि टाइम कैसा चल रहा है। रोज रोज नया कपड़ा इंसान नहीं पहन सकता, खरीद भी नहीं सकता रोज रोज। वो मैं अलग बात है कि हॉल के लिए, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं प्रोडक्ट खरीदती हूँ, क्योंकि वो मेरा काम है। फिर भी मैं निकाल के पहन नहीं सकती, क्योंकि वो अब वो सब टाइट हो रहे। ये भी चाय बस गिरने वाली थी, बट गिरने वाली नहीं, 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 नहीं। तो मैं आज बना रही हूँ, बात करूँ? हाँ बोलो बोलो। मैं आज बना रही हूँ अक्खी मसूर की दाल। अभी मैं 2 वीडियो की एडिटिंग की, आप लोगों को पता है 2 वीडियो की एडिटिंग चक्कर आ गया मेरे को, एकदम हिल गई हूँ मैं। इफ्तारी में इफ्तारी बनाई, ज्यादा नहीं बनाई थी, वो शामी कबाब जो बनाई थी ना मैंने, वो बहुत सौगी सौगी हो गए थे, नरम हो गए थे, तो उसको आज अलग तरीके से, सौगी सौगी क्यों हो गए थे, नरम क्यों हो गए थे, मैं बताती हूँ। वो उसका जो प्रोसेस है ना, ठंडा करने वाला, चिल्ड करने वाला, वो मैंने जल्दी जल्दबाजी में फटाफट फ्राई कर दी थी परसों के दिन। तो वो गरम गरम में फ्राई की थी, बोल के उज्मा को भी जरा अच्छा नहीं लगा, बोलती है क्या बनाए, मतलब एकदम सौगी था। जिस वजह से वो क्रिस्पी हो गया, थोड़ा सा क्रिस्पी हुआ अंदर से, थोड़ा सा नरम ही, लेकिन तो ये आज उसने शौक से मांग मांग के खाई, मजा ही आ गया कि चलो हाँ अब मेहनत सफल हुई। ये है ब्रेड क्रम की कोटिंग करके मैंने इसको वो किया था, और चिकन फ्राई कर दी थी। आज इफ्तारी अच्छे से हो गई, तो मैंने बोला चलो थोड़ा लेट भी खाना बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है, तो मैं आज लेट बना रही हूँ, इसलिए अक्खी मसूर की दाल थोड़ी सी। तो ऐसा आपकी भाईजान को बोली थी आज ब्लॉग मत शुरू करना, कंटा रहा है तो कैसा करेगा। और मैंने कुछ मेरे चेहरे को चेहरे दिख रहे नहीं, बताना आप लोग, ठीक है? जो लोग रोज देखते हैं ना, उन लोगों को पता चलेगा आज क्या चीज, जो कल जो वीडियो में दिखा रहा मैं, और आज जो वीडियो में मैं बताऊ, देखो तो पता ही ना, देखो ग्लो, देखो शाइनिंग, देखो। अरे यहाँ का उधर का लाइट चालू करो, वो वॉल पे खड़े रहो। ऐसा ऐसा कहाँ का लाइट है, इधर ही चाहिए, इधर ही चलता है यार। अरे वो वॉल पे खड़े रहो। GoPro बात शाइनिंग की नहीं, कुछ और ही बात है, जो लोग रोज देखते हैं उन लोगों को पता चलेगा। मैंने इन भी दे दिया अभी थोड़ी देर पहले, दाढ़ी नहीं। हाँ तो आपके भाईजान को बता देना क्या चेंजेस किए। और यहाँ पे मैंने ना क्या किया पता है, अक्खे गरम मसाले ऐड किए तेल के अंदर, कांदा डाल दिया, हरी मिर्ची कुटकी, धनिया कुटकी, और नमक ऐड कर दिया, टमाटर ऐड कर दिया, अदरक लहसुन ऐड कर दिया, आलू ऐड कर दिया। अब डाल दे रही हूँ ये अक्खी मसूर, और बस अब इसको सीटी लगा दूंगी, ये पक जाएगी। रोटी रेडी है, चावल बनाऊंगी और फिर खाएंगे, और चाय गरम करूंगा, चाय गरम हो गया, चाय पीऊंगा। हाँ, और मुझे फिर से एक वीडियो मतलब वीडियो लाइव करने के लिए बैठना है, मतलब ऐसा हो गया ना जिंदगी, घर के अंदर ही खत्म हो रही, घर में ही व्लॉग शूट कर लो, फिर वही ब्लॉग को लेके बैठो, 2-3 घंटा वही चीज देखो। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं एक दिन 3 बार जी रही हूँ, एक दिन तीन बार, एक ही दिन सेम दिन तुम रिकॉर्ड कर रहे हो वही चीज, तुम 1.5 घंटा बैठ के देख के उसमें से आधे घंटे की क्लिप निकाल रहे हो, फिर उसके बाद तुम उसको 3-4 बार देखते हो कि ब्लॉग के अंदर कुछ इश्यू तो नहीं है। तो मतलब एक दिन को मैं 3-4 बार जी रही हूँ, मुझे घंटा आ रहा है। चाय ठंडी हो जाएगी। और मुझे मेरे दोस्त का फोन आ रहा था जो रिसेंटली एडमिट हॉस्पिटल से आया है, यासिन मेरा दोस्त जो एडमिट था, क्या हुआ? पहले ही आ गया था ना हॉस्पिटल से, नहीं अभी 2-3 दिन पहले आया है, उसको कुछ मेडिसिन भी चाहिए अच्छे, मतलब उसको भी कंटिन्यू लगेगी तो कुछ सस्ते रेट में चाहिए मेडिसिन,
तो जितना होगा उतना मैं चाहे सपोर्ट करूँगा, हेल्प करूँगा फिलहाल चाय पीने के बाद। ठीक है, मिलता आपको थोड़ी देर से, रखूँ, बाय, अल्लाह हाफिज़। सो ये है नेक्स्ट डे की इफ्तारी, मतलब आठवां रोज़ा, ये आठवें रोज़े की इफ्तारी है। आज मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया, इफ्तारी में मैंने बनाए थे मसूर दाल के भजिए और साथ ही साथ दही बड़े, मीठे दही बल्ले, मतलब खट्टे मीठे दही बल्ले बोल सकते, तीखे नहीं है। ठीक है, ठीक है, दो एंगल बन गए ना किचन के एटलीस्ट। चलो सही है तुम्हारे, यस आपको अच्छी चीज थी, वॉइस कुकिंग कर लेता ऐसा ऐसा। रुको मैं है ना स्कार्फ लेके आती हूँ, फिर तो देखिए। अभी टेंशन नहीं ना, चले सो गाइस, आपके भाईजान बना रहे एकदम मस्त कड़क चाय। बाबू अदरक डाले के मसाला डाले, कुछ भी नहीं डाले, बाबू पीना, बाबू के हाथ की चाय पीना। कभी अगर जिंदगी में मौका मिले ना तो बाबू के हाथ की चाय पीना। जब हम लोग की नई नई शादी हुई थी ना, तो बाबू मेरे को पहले से स्टार्टिंग से सुबह सुबह चाय बना के पिलाने की। सुबह की चाय बाबू के हाथ की, मेरी पक्की है, बाकी तुम दिन भर मेरे से कुछ भी काम करा लो, है ना बाबू। जिद करके मांगती थी मैं ऐसा, जिद मतलब मेरा हक है, वो पहली चाय सिर्फ तुम्हारे हाथ की पीऊंगी। तो मेरे को बाबू की चाय, हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है, वो मेरे लिए बना रहे और रोज बनाते इफ्तार के बाद चाय मेरे को पिलाते। थैंक यू सो मच बाबू, जो सच्चे वो सच्चे। एक चाय ही है जो शादी के बाद डेली का मतलब हमेशा हक से मांगी, उसके अलावा तो बाबा नवाब थे मेरे आदमी। अभी इतना मेरी मदद करते माशाल्लाह, अल्लाह करम है, जो आप लोग भी बोलते हैं कि भाईजान जैसा पति सबको मिले, तो मैं भी बोलती हूँ भाईजान जैसा पति सबको मिले, लेकिन ये भाईजान सिर्फ मेरे को मिले, मेरे को ही मिलना चाहिए। भाईजान जैसा पति मिले, लेकिन ये भाईजान सिर्फ ये वाले ना मेरे ही चेहरे, मतलब लेकिन लोगों कितने गलत है मेरे बारे में, इतना अच्छा हूँ मैं, इतना अच्छा हूँ मैं, जानता मैं अंदर ऐसा हूँ, तो मुझे पता है अगर मेरे लिए ये इतना करेंगे ना, तो मेरे को पता है उसके पीछे मुझे इतना करना पड़ेगा, तो ही मुझे कल वो इतना मिलेगा, समझे। ये असली अंदर की बात है, लेकिन जो भी है यार, वो थोड़ा बहुत भी करते ना मेरे लिए बहुत है, पता है क्यों, बाकी सब दूर रह जाते हैं, चाहे भाई हो, बहन हो, अम्मी हो, अब्बा हो, या कोई भी रिलेटिव हो, कोई सगे वाले हो, दूर के सगे वाले हो, नजदीक के सगे वाले हो, काम बात स्टार्ट टू एंडर आने वाले यही चीज। एक्सप्रेशन प्लीज कौन आया बताओ, मैं मतलब मेरे को एक जगह बिठा के बड़ी से बड़ी मेहनत की इन्होंने इस बार, दिल जीत लिए। अरे यार थोड़ा खुश हो जाया करो, अगर मुझे ऐसा पति मिला है तो क्यों जला पे, कि लोग कुछ लोग है ना बहुत गंदे गंदे कमेंट भी करते हैं कि पति को औरत बना दी, पति को पति रहने दो। अरे भाई तुमको पता भी है मैंने कैसे कैसे दिन भी गुजारे है, बाबू जरा बताओ लोग कितनी गलत है यार। देखो जो दिखता है ऐसा होता नहीं है, पहली बात तो हम लोग वही चीज दिखा जो हम दिखाना चाहते है, बराबर। मैं समझ सोचे की मैं बहुत अच्छा हूँ, हर आदमी कमी नहीं होता अंदर से, ऐसा नहीं है। देखो हमें ये नहीं बोलती कि हर आदमी इतना करता है, हमें ये भी नहीं बोलती हूँ कि मतलब ये बहुत मतलब स्ट्रिक्ट है चीजों को लेके। अरे ये मैं मदद करते, लेकिन ये भी नहीं बोलूंगी कि पूरी की पूरी करते। कैमरे में हम लोग ज्यादातर क्या करती हूँ, मैं उनको शूट कर लेती हूँ, क्योंकि शूटिंग का काम मेरा है। अभी अगर मेरा एक जमाना ऐसा था, बाबू यहाँ खड़ो ना पिए ना चाहिए, एक जमाना ऐसा भी था उस्मा के नाम पे, जब मैं प्रेगनेंट थी तब मेरे बाबू एक कप नहीं उठाते थे, सच्ची बात तो ये मतलब ऐसा बोलने का रहता है, मतलब घर के अंदर इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि उस वक्त पे मैं वर्किंग नहीं थी, उस वक्त पे ये अकेले वर्किंग थे, तो इनको घर की पूरी जिम्मेदारी, खाने से लेके बर्तन तक, बर्तन से लेके कपड़े तक, कपड़े से लेके हर एक चीज तक इनको लेकर आना पड़ता था, तो इनको पूरा एफर्ट अपने वर्किंग पे ही देना, पूरा अपना ध्यान अभी भी देते हैं, सनी के नहीं देते, लेकिन वो बॉडी की जो ताकत है ना वो बचा के रखते थे, और चिड़चिड़ होता था कई बार उनका माइंड, जिस वजह से वो घर पे कोई काम नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। सही बात है, मेरा गुस्सा आता ना मेरे को बाहर चढ़ता सीधा बाज रहा, तो क्योंकि चाहिए नहीं, घर पे रहूंगा काम नहीं करूंगा और फिर आवाज हम लोग झगड़े हो जाएंगे,
वो समय पे भी मैंने शिफ्टिंग की थी, 8वां 9वां महीना मेरा कुछ चालू था, वो समय पे भी मैंने शिफ्टिंग की थी। मैंने बुरे से बुरे दिन निकाले वो समय पे। घर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चलता था मेरा 6 महीने से लेके 8 महीने तक के, 2 महीना। हाँ, वो कंस्ट्रक्शन का काम मैं अकेले घर के अंदर रहती थी और अकेले करवाती थी। दिन दिन भर भूखी रहती थी, वड़े पाव समोसे पाव पे काम गुजारा करती थी। वो भी वड़ा पाव समोसा पाव मुझे कारीगर ला के खिलाता था, ये अपने वर्किंग पे होते थे। और रही बात, मेरी अम्मी उस समय पे एडमिट थे, मेरी अम्मी खुद अपने ठिकाने पे नहीं थे, मतलब उनको भी बेचारे को देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरे घर में मेरी भाभी नहीं आए थे। भाभी के पहले की बात है। तो वो समय मेरा ऐसा था कि इतना मैंने अकेले वो वक्त गुजारा ना, मैं एकदम पत्थर बन गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा था मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। मैंने इतना स्ट्रांग वक्त निकाल लिया, इतना मुसीबतों भरा वक्त अकेले निकाल लिया, तो मुझे अब किसी की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे अल्लाह की जरूरत है। मुझे मेरा अल्लाह है बेहतर, वही मेरा आगे भी कुछ भी करेगा। और अभी भी अल्लाह के फजलो करम से मैं किसी भी इंसान से उम्मीद नहीं लगाती, ना मैं किसी से मदद मांगती हूँ, ना मैं उम्मीद लगाती हूँ, कसम खुदा की। हाँ, ये है जो इन पे मेरा हक है, मेरा राइट बनता है कि मैं इनको बोलूं, क्योंकि खाली इनसे मेरी जिंदगी नहीं जुड़ी है, इनसे उज्मा की जिंदगी जुड़ी है। इंसान अपने लिए किसी के आगे नहीं झुकता, लेकिन अपनी औलाद के लिए झुक जाता है। तो मुझे कई बार बहुत सारी चीजें इनको बोलनी पड़ती है कि बाबू ये चीज कर दो फटाफट, तो उज्मा को टाइम पे खाना मिल जाएगा, ये चीज कर दो तो उज्मा को मैं तैयार कर दूंगी, ये चीज कर दो तो ये हो जाएगा। तो बोलते बोलते अभी 1-1.5 साल में ना इनको आदत हो गई है कि चलो अभी फैमिली मैन बनना है। मेरी बीवी भी कहीं ना कहीं वर्किंग है, वर्किंग के साथ साथ हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ के साथ साथ एक मदर है। और अब मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मेरा अभी माशाल्लाह से 8वां महीना चल रहा है। तो जितना हो सके वो बैकअप तोड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। लास्ट प्रेगनेंसी में मैंने जितना सहा है उतना ही मुझे वो अब इस प्रेगनेंसी में मुझे आराम दे रहे हैं। बस शिफ्टिंग मैंने पहले से मदद किया, ऐसा नहीं किया शिफ्टिंग। हाँ, शिफ्टिंग तो मतलब सामान ला के डालना इन्हीं का काम था हमेशा। ये नो ब्रोकर प्रोब्रोकर ये पैकर मोर नहीं आते, गलती भी बुला लिए मैं दो ज्यादा से। ऑब्वियसली मेरा क्या काम होता था पता है, पूरा मतलब मैं रेडी पैक शैक करके, चाहे किचन हो या कुछ, हर एक चीज में पैक करके रखती थी। क्योंकि 2 दिन की ये, हाँ 2 दिन की ये छुट्टी लेने के, और वो 2 दिन में लोग 1 दिन सामान उठा के फेंकने के यहाँ पे दूसरे घर पे, और 1 दिन पैकिंग ओपन करके मैं लगाने का काम करती थी। और ये जो जो सामान ऊपर कोडमाले पे जाएगा या कैबिनेट में जाएगा, वो सामान ऊपर रखने के लिए सिर्फ 2 दिन की छुट्टी लेते थे। इस टाइम भी उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ली, बट वो 2 दिन की छुट्टी सिर्फ सामान उठा के यहाँ डालने में जाती थी, और ये 2 दिन की छुट्टी इन्होंने मेरे को यहाँ पे आके जो उडबैट वाला काम है, धूल धपट्टे वाला काम है, पानी का जो काम है, इन्होंने 2 दिन छुट्टी दी। लेकिन मैंने 5 दिन काम किया कंटिन्यू, बताओ कैसे। हाँ, काम 2 दिन पहले छुट्टी जल्दी घर पे, 4:30-4 बजे। अरे मैं बता रही थी ना बाबू, तुमसे बीच में ब्रेक कर दिए कहानी मेरी। फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे छुट्टी और संडे भी छुट्टी, 3 दिन तो कंप्लीट छुट्टी पूरा। मतलब इन्होंने जितना धूल धपट्टे का काम, पानी का काम, जितना जिससे मेरी सेहत खराब ना हो, वो पूरा इन्होंने अपने हाथ में लिया। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं बोलती हूँ हर औरत खुश हो, वो मैं भी दुआ करूंगी और आप भी दुआ करें कि आपके हस्बैंड भी ऐसी आपकी मदद करें। बट कुछ लोग कैसे ना जलापे गए, जिनको खुद को कुछ नहीं मिल रहा ना, तो वो दूसरों को क्यों मिल रहा वो बोलते। ये कौन सी मेंटालिटी है कि आदमी सिर्फ कमा सकता है, घर में मदद नहीं कर सकता। जब आज की जनरेशन में एक औरत आदमी को मदद कर सकती है, कमा के उनके कंधे को कंधा मिला के घर को सपोर्ट कर सकती है, तो आदमी क्यों नहीं घर के थोड़े बहुत कामों में हाथ बटा सकता है। और ये कहाँ पे लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है कि आदमी घर के कामों में हाथ नहीं बटा सकता, ये आप मुझे बताना। यहाँ तक कि कुरान शरीफ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी जो बीवी थी उनकी जो हेल्प करते थे, ये आपको पता नहीं होगा तो आप मुझे बोलना, कॉमेंट करना, मैं डिटेल में नाम और हर एक चीज के साथ आपको बताऊंगी। आप लोगों के नाम पढ़ती हूँ मैं, आप खुद हमारे कॉम में होकर भी आपको इतनी बात नहीं मालूम, और आप अलग अलग चलो बोल दो, बोलो चलता है, अच्छा बुरा बोलो चलता है, लेकिन आपका जो टोन, बोलने का तरीका, टाइपिंग में ही समझ में आ जाता है कि कौन से लेवल के क्या बोल रहे हो। कि भाईजान को आदमी तो रहने दो, कम से कम औरत तो मत बनाओ, कहाँ के कौन सी मेंटालिटी के हो आप। तो आज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, खुश हो यार। मैंने भी है ना कोई शादी करके आई और दूसरे दिन से आपके भाईजान को काम पे नहीं लगा दिया कि चलो घर के काम करो। मैंने बहुत बुरे वक्त निकाले, 5-6 साल तक के मैंने मेरे दिन कैसे निकाले मुझे पता है। अब जाके थोड़ा थोड़ा मेरे अगर हस्बैंड हेल्पिंग हैंड बन रहे हैं मुझको लेके, तो क्या बुरा है। और मुझे मेरे लिए नहीं करते, कोई भी इंसान अपनी बीवी के लिए खास नहीं करता, वो अपने बच्चों का भी सोचता है कि चल भाई अगर ये बीवी मेरी पूरे दिन अगर घर का काम करेगी, बच्चा देखेगी, तो वो भी वर्किंग है, उसका भी काम का कुछ है, इंडिपेंडेंसी कुछ है कि नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड मेरी इंडिपेंडेंसी का ख्याल रखते तो अच्छी बात है ना, कि मैं भी काम करूं घर के साथ, बच्चा बच्चे के साथ मेरा काम देखूं, ताकि हमारी फैमिली आगे बढ़ सके और अल्लाह के फजल करम से बढ़ रही है। और आप लोगों की दुआ और आप लोगों की मोहब्बत, जो लोग सच्चे दिल से हम लोग को दुआ देते हैं, उन लोगों की मोहब्बत से हम लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ ही रहे।
देखो ये टॉपिक में बात करना नहीं था लेकिन बात हो गई क्योंकि किचन में खड़े थे, मुझे मालूम था आज फिर कोई ना कोई कमेंट आएगा ऐसा हो जरूर, तो मैंने चलो आज क्लियर कर ही दिया। चाय ठंडी हुई मेरी। और आप लोगों को पता है मेरी हालत कुछ ऐसी चल रही है ना कि मेरे को व्लॉग बनाने का मन नहीं करता है। अभी भी मैं काम ही कर रही थी, हम लोग ने पूरा बेडरूम सेट किया, मैंने पूरे कपड़े धोने के लिए लगाया, वॉशिंग मशीन लगी हुई है मेरी, लेकिन मैं कुछ शूट नहीं किया। तो ऐसा कहाँ गए बाबू? तो ऐसा, अरे आपके भाई का गुस्सा बहुत खतरनाक है भाई, कभी गुस्से में मिलना नहीं उनसे। मेरे कपड़े धुल रहे देखो यहाँ पे। मैंने पूरी इफ्तारी प्रिपरेशन की, आज मैंने शूट नहीं किया क्योंकि शूट करने में हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। तो देखो यहाँ पे ना कपड़े लगे हुए हैं, कपड़े धो रही थी मैं, और आज 5 बजे से काम ही कर रही हूँ। अभी बज रहे 9, लेकिन मैंने शूट नहीं किया क्यों, जितनी बात मैंने अभी बाबू के साथ खड़े रहे कि ना हिम्मत मिली, विदाउट उनके तो हिम्मत क्या, मेरे को कैमरा लगाने का डर आ रहा था, नहीं हो रहा है यार। ऐसा लगता है ना व्लॉग बनाने के चक्कर में 5 मिनट का काम है ना 15 मिनट में खींच जाता। तो ऐसा अभी जाएंगे उस्मा को लेने। तो यहाँ पे आई है भाजी सब्जी। एक्चुअली मैं भाजी का इंतज़ार कर रही थी कि कब आएगी, उस चक्कर में हो गया लेट, तो मैंने बना दी बटाटे की कचौड़ी, जो कि ऑलरेडी घर में बटाटे थे, क्योंकि फिर उसमें को खाना खिलाने के लिए लेट हो जाता था अगर मैं भाजी का इंतज़ार करती तो। और इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची डालना भी भूल गई हूँ, हरी मिर्ची भी नहीं डाली हूँ, फिक्की फिक्की बनी है बिल्कुल। बाद में मैंने उसमें को खाना खिलाने के बाद इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड की, ठीक है। तो भाजी में आपके भाईजान ने लेके आई ये चौली का बंडल, ये जब भी लाते हैं इतनी ज़्यादा आती है ना कि 2 बार बन जाती है। तो ऐसा है, साथ ही साथ आया है मेरा फेवरेट मूंग मटकी का पोटली, जो कि एकदम सूखा, एक्चुअली इन्होंने भीलवाल लेकर आया, इसका सालन बनाएंगे। खाली मूंग मटकी होती तो मैं इसको सूखा बनाती थी कांदे टमाटे में, अदरक बटाटा कांदा कोतमीर ये सब आया। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम लोग ग्रॉसरी भी लेके आ जाएंगे, ये चुटर पुटर बाहर से एक एक चीज़ लाना ना बहुत भारी पड़ता है। तो ऐसा है, और सारे ना मेरे ऑनलाइन ऐप पे मुझे एड्रेस चेंज करना पड़ेगा अभी, जो कि अभी हुआ नहीं है, तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, तो मेरा मसला सॉल्व हो जाएगा बार बार भेजने का आपके भाईजान को, ये लाओ करने को। तो ऐसा है, इसलिए मुझे थोड़ा अभी भारी पड़ रहा है। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, आप लोग अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, बाय बाय, टेक केयर।